गुड मॉर्निंग। लेसन 7 ब्रिटिश शासन और शिक्षा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के बारे में विस्तृत जानकारी ली थी, जानकारी प्राप्त किया था, जो कि बहुत ही रोचक तथ्य थे उसमें। अब अगला टॉपिक है आधुनिक शिक्षा और बिहार। आधुनिक शिक्षा से बिहार भी आपको अछूता नहीं रहा, क्योंकि अभी तक आप जिन जिन नियमों, जिन जिन कानूनों के बारे में जानते हैं, जो जो भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, उससे बिहार कहीं से भी अछूता नहीं रहा और उसका सीधा सीधा प्रभाव बिहार पर भी हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बदलाव किए गए वो सबसे पहले आपको बंगाल में किए गए। शिक्षा के क्षेत्र, क्योंकि बंगाल उनका एक बड़ा प्रांत था शासन का, और जो भी बदलाव करते थे वो बंगाल उसका प्रमुख केंद्र होता था। बिहार 1911 तक, यानी आजादी के कुछ समय पहले तक, ये बंगाल का ही हिस्सा था। तो स्वाभाविक था कि जो भी नियम, जो भी कानून, जो भी प्रणाली शिक्षा के रूप में लागू की जाती थी, उसका सीधा सीधा असर बिहार पर भी होता था। 1835 में शुरू हुई नई शिक्षा नीति के बाद बिहार में भी जो आधुनिक शिक्षा थी उसका जो ढांचा था वो विकसित होने लगा, यानी यहाँ भी आधुनिक शिक्षा विकसित होने लगी, आधुनिक शिक्षा का विकास यहाँ भी होने लगा। सरकारी और व्यक्तिगत यानी निजी व्यक्तिगत के प्रयासों से कई स्कूलों की स्थापना की गई और आधुनिक शिक्षा वहां पर लागू किया गया। कई सारे विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई। सरकारी प्रयासों से सबसे पहले 1835 में पटना में 1835 में सबसे पहले सरकारी प्रयासों के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा 1835 में सबसे पहले स्कूल की स्थापना की गई पटना में, पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना की गई 1835 में। यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था जहां आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1836 में आरा में हाई स्कूल खुला। 1836 में एक साल बाद, फिर उसके एक साल बाद 1837 में भागलपुर में, फिर 1839 में 1839 में छपरा में, तथा 1845 में गया एवं मुजफ्फरपुर में हाई स्कूलों की स्थापना की गई और उसमें आधुनिक शिक्षा लागू की गई। इन सबों को जिला शिक्षा स्कूल से नाम से जाना जाता है, यानी आज अगर देखा जाए तो आज इनका नाम चेंज है और आज इनको जिला स्कूल के नाम से हम जानते हैं, जिला स्कूल के नाम से ये चलते हैं। हालांकि ये सब उस समय के शिक्षा के बदलाव के द्वारा स्थापित किए गए थे। व्यक्तिगत प्रयासों से भी, यानी निजी व्यक्ति जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े जो व्यापारी थे, उनके द्वारा भी स्कूलों की स्थापना की गई। सरकारी अनुमति के द्वारा आधुनिक स्कूलों की स्थापना की गई, जैसे गया स्थित टिकारी में वहां के जमींदार द्वारा टिकारी राज स्कूल, दरभंगा में वहां कराया के द्वारा दरभंगा राज स्कूल, पटना के कुलड़िया में जमींदार द्वारा शुरू किया गया बिहार नेशनल हाई स्कूल, जो बाद में बिहार नेशनल कॉलेज बना। बंगाली समुदाय द्वारा भी, यानी बंगाल के जो रहते थे, चूंकि उस समय बंगाल प्रांत में था, तो बंगाली समुदाय के द्वारा भी बिहार में स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने काफी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसमें 1867 में पटना स्थित बांकीपुर में बांकीपुर बालिका विद्यालय, जो लड़कियों का पहला स्कूल था उस समय, जो आपको बंगाली लोगों के संस्था के समुदाय जो थे उनके प्रयासों से ये सफल हुआ। तो 1867 ईस्वी में पहला पटना के बांकीपुर में बांकीपुर विद्यालय, जो लड़कियों का प्रथम स्कूल था, की स्थापना की गई। 1868 में भागलपुर में स्थापित मोक्षदा महिला विद्यालय, यानी बालिका विद्यालय, या फिर 1884 में मुजफ्फरपुर में स्थापित मुखर्जी सेमिनरी प्रमुख है, यानी मुखर्जी सेमिनरी करके वो स्कूल का नाम था जो प्रमुख है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी
सर सैयद के आंदोलन से प्रेरित पटना के मौलवी, पटना के जो मौलवी थे उसमें मोहम्मद हसन ने मोहम्मदे एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना 1884 ईस्वी में की। इन सभी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काफी योगदान रहा, काफी बड़ा योगदान रहा। कुछ स्कूल अंग्रेजों के व्यक्तिगत प्रयास से भी खोले गए, जैसे 1880 में दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल, आज का जो जिला स्कूल के नाम से जानते हैं हम, और 1901 में समस्तीपुर का वाटसन हाई स्कूल, ये भी आपको अंग्रेजों की सहायता से खोले गए, अंग्रेजों के द्वारा खोले गए। जहां तक उच्च शिक्षा के जुड़ी सरकारी जैसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की बात है, तो इस क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे 1863 में पटना में स्थापित पटना कॉलेज, जो बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी, इसको पटना कॉलेज के नाम से जानते हैं। 1878 में स्थापित तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर में, 1889 में 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना, 1898 में स्थापित डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर, जमींदारों और व्यापारियों के संरक्षण में स्थापित भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, एक सामाजिक संगठन जो था भूमिहार ब्राह्मण सभा द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो स्थिति थी बिहार की, वो शिक्षा में नए बदलाव, शिक्षा में नई शिक्षा प्रणाली के लागू होने के बाद की स्थिति थी। यानी यहाँ पर भी आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और बहुत सफल प्रयास किया गया, प्रयास सफल रहा और यहाँ पर आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ भी विकास होने लगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ और रोचक जानकारियों के साथ मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।